हेलो एवरीवन, फेस्टिवल सीजन आ रहे और आपके साथ में एक यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि आपने अब तक है ना कभी यूट्यूब पे पीना कोलाडा की स्वीट नहीं देखी होगी, और वो भी बिना घी और बिना मावा की। और इसका ब्यूटीफुल लुक तो आप देखिए, खाने में उतनी ही लाजवाब। नमस्कार, पारुल भानुशाली की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, साथ में हमने ऐसा कोकोनट मिल्क पाउडर आता है वो भी लिया है 25 ग्राम। यहाँ पर हमने जो हमारा पनीर है उसे कद्दूकस कर लिया, और साथ ही में हमें ना इसके अंदर 25 ग्राम कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है। यहाँ पर कोकोनट पाउडर नहीं है ये। और साथ में हम ले लेंगे पाइनएप्पल एमेशियल्स, इससे ना कलर भी अच्छा आ जाएगा और इसमें खुशबू भी आ जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा, मतलब तीनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने 5 से 6 बूंदे लिए, और मीठेपन के लिए हमने यहाँ पर खड़ी शक्कर ली है, जिसे हम मिश्री भी कहते हैं या तो फिर धागे वाली शक्कर भी कहते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो। खड़ी शक्कर जो है मैंने यहाँ पर 5 चम्मच लिया, मतलब कि 5 टीस्पून के जितना। अब ये तीनों सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर खड़ी शक्कर जो है ना मेरी अच्छे से थोड़ी कुटी हुई है, और मुझे जो ये एमएलसीएल है ना कम लग रहा है, तो मैंने और 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा एमएलसीएल ले सकते हो। अब ये सारी सामग्री को हम धीमी आँच पर पकाएंगे, और जैसे ही हम पकाएंगे तो ये जो हमारा मिश्रण है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा, मतलब कि ये मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे कुक करते रहेंगे ना तो इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी, मतलब कि जो हमारी मिश्री है ना वो कुक होगी तो इसके अंदर चमक भी आ जाएगी, साथ में इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर पनीर जो है मैंने मार्केट का लिया है, आप चाहे तो घर का भी ले सकते हो। अभी हमने यहाँ पर अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप के जितना लिया है, अंदाजे से जो हमारे पास मेजरिंग कप होता है वो 1.5 कप के जितना लिया है। आप उसके अंदर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी ले सकते हो, और हम धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। आपके साथ मैंने पनीर कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी भी तो शेयर कर दी है, तो आप उस तरह से पनीर भी घर का बनाकर ले सकते हो। अब ये सारी सामग्री को हम मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमने जो चीनी के साथ, मतलब जो हमारी खड़ी शक्कर आप लेते हो उसके साथ अच्छे से पका लेंगे तो इसके अंदर अच्छी सी चमक आ जाएगी और उसमें सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो हमारा कोकोनट मिल्क पाउडर है उसका, और जो पाइनएप्पल एमेशियल्स है उसकी वजह से ये मिठाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। ये मिठाई जो है हलवाई की दुकान में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हमने ये फ्यूजन रेसिपी बनाई है तो ये ट्राई करना तो बनता है, और मेरे घर पे अक्सर ये बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और बिना घी बिना मावा की है फिर भी ये रेसिपी है ना मुँह में घुल जाती है, ऐसी बनती है। तो यहाँ पर जो है मैंने ऐसे राउंड राउंड से बना लिए, मतलब कि गोल गोल चपटे ऐसे उसके राउंड बना लिए। आप चाहे तो इसके गोल पेड़े की तरह भी बना सकते हो। और अब यहाँ पर मैंने ना लच्छेदार, जो सूखा वाला नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं ना, उस तरह से लच्छेदार लिया। आप नॉर्मल जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी ले सकते हो। अब हमें ना इसके लच्छे, ये हमने जो रोल बना के रखे उसके ऊपर कोट कर देंगे, तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और जो इंग्रेडिएंट्स हमने अंदर लिए है उसी से हम डेकोरेशन करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक दिख रहा है, और टेस्ट में उतना ही लाजवाब। और यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा कोकोनट उसके अंदर और कोई कलर ऐड करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये एकदम लेमन येलो ब्यूटीफुल स्वीट हमारी तैयार है, और बिना कोई तानजान। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एकदम नई और एकदम ही इजी मेथड की ये मिठाई, और अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा। और अभी तो आप देख ही रहे हो जितनी ये सुंदर दिख रही है ना, खाने में उतनी ही लाजवाब। आप मुझसे और भी कोई रेसिपी की जानकारी चाहते हो तो वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और आप इसका लुक देखिए, हम इसे तोड़कर भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम ही सॉफ्ट और एकदम जैसे कि मावे की हो ना ऐसी। तो जल्दी मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। रोज नई वीडियोस के लिए पारुल भानुशाली की चैनल को फॉलो करते रहिए, और अपने फीडबैक